नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है बोधि योग ध्यान के इस चैनल में। आज का विषय है आनापान ध्यान, जिसे कई लोग ब्रेथ अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो आनापान ध्यान काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो ध्यान को, ये जो ध्यान है, अलग अलग ध्यान है, ये कुंजी के रूप में है, एक चाबी के रूप में है। तो इन चाबियों से अनेक अनेक दरवाजे खुल सकते हैं और आपको पता नहीं कि दरवाजे के पीछे क्या चीज़ है। तो इसके लिए ज़रूरी है समझ की अगर आप ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, खासकर आनापान ध्यान का, तो इसके लिए ज़रूरी है समझ की कि क्यों कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर और लोगों ने बताया कि इसका ये बेनिफिट है, इसके हजारों हजार बेनिफिट हैं और आपने शुरू कर दिया। तो होता क्या है, जब आप ध्यान शुरू करेंगे, खासकर आनापान, तो शुरू में बहुत मज़ा आता है क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाता है, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, हमको हमारा फोकस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और शुरुआती के कुछ दिन में बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं वो 10 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे कर रहे हैं, वो कोई काम भी कर रहे हैं, उनका ध्यान पूरा श्वास पर ही है। तो होता क्या है, जब समय बीतता जाता है, ठीक है, तो इस ध्यान ने क्या किया, आपका जो एनर्जी, आपका जो शक्ति, जो मन में जा रहा था, जो विचारों में जा रहा था, उस शक्ति को तोड़ दिया। अब वो शक्ति विचारों में नहीं जाती है। तो शक्ति तो हमेशा ही आ रही है, शक्ति हमेशा ही जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है। अब शक्ति कहाँ जाएगी, पहले तो था कि शक्ति थी वो चली जाती थी विचारों में और वहाँ से वो ख़त्म हो जाती थी। पर जब आपने ध्यान अभ्यास शुरू किया आनापान, उसके बाद वो शक्ति टूट गई जो मस्तिष्क में जा रही थी, जो हमारे मन में जा रही थी, जो हमारी भावनाओं में जा रही थी, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा मन शांत हो गया, हमें कोई ऐसे गंदे विचार, बुरे विचार नहीं आते। पर अब होता क्या है, शक्ति जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो शक्ति बहुत इकट्ठा हो रही है, भीतर इकट्ठा होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा कि वाह कितनी अच्छी, कितनी मैं कितना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, कि मुझे हर काम में मज़ा आ रहा है, सब कुछ। पर वो शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा करते होते 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 आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका पूरा जीवन भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपने जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसको कहीं और लगाया नहीं है। आप वही काम कर रहे हैं जो आप करते हैं, आप उसी तरह का खाना खा रहे हैं जो आप खा रहे हैं। तो ध्यान के साथ साथ हमारे कामों में भी परिवर्तन करना ज़रूरी है, हमारे खाने पीने सोने में भी परिवर्तन करना ज़रूरी है। तो अगर पहले आप ज़्यादा खाना खाते थे, अब कम कर दीजिए। अगर ज़्यादा दूसरा काम करते थे, दूसरी तरह के, थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो होता क्या है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जितनी ध्यान से जितनी ऊर्जा हमको मिली है, वो ऊर्जा एक पॉजिटिव वे में बाहर हम उस चीज़ को देते हैं। तभी जब बुद्ध भगवान ने बोला कि आप जो करो वो दूसरों को दो, आप प्रेम बांटो, आप दो, आप शेयर करो चीज़ों को। तो जब आप शेयर करते हैं, जब आप बांटते हैं, तो वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, जो शक्ति ध्यान के माध्यम से हमको मिली है, वो शक्ति अब दूसरी तरीके से बदल रही है। तो शक्ति है वो हमेशा अपना फॉर्म चेंज करती है, अगर हम उस शक्ति को अपने भीतर ही रखें तो शक्ति हमको बर्बाद भी कर सकती है। तो क्रिएटिव कुछ चीज़ें करिए, अगर आप पेंटिंग कर सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ बजा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो उस शक्ति को, उस एनर्जी को हमको दूसरे तरीके से लगाना है। अगर आप गार्डनिंग कर सकते हैं, नेचर के साथ रह सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं, तो इस तरह से जो शक्ति आपको मिल रही है ध्यान के माध्यम से, उस शक्ति को चैनलाइज करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ध्यान करता क्या है, वो आपको विचारों से दूर करता है, आपकी जो निगेटिविटी है उससे दूर करता है, पर वो शक्ति को भी जनरेट कर रहा है। बहुत शक्ति आप में पैदा हो रही है, पर आप
ने उस शक्ति का कहीं दूसरे अच्छे कार्य में यूज नहीं किया तो वो शक्ति आपको बर्बाद भी कर सकती है, क्योंकि दरवाजे के भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है। तो जरूरी है समझ के साथ अपने एक एक कदम को बढ़ाना। और जब आनापान का अभ्यास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 घंटे 10 घंटे की हर एक काम में बस श्वासों पर ही ध्यान है। हमने सुन लिया किसी यूट्यूब वीडियो में, किसी ने कुछ बोल दिया इसके बारे में, वो नहीं करना है हमको। धीरे धीरे अभ्यास स्टार्ट करना है, जैसे एक बच्चा चलता है, कैसे चलता है वो, पहले धीरे धीरे वो वॉक करता है, अपने चारों हाथों पैरों से वॉक करता है, और धीरे धीरे फिर खड़ा होता है दीवार से, और फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है डगमगाते हुए। वही हमको स्टेप लेने हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज ही बोल दिया कि आज से हम शुरुआत करेंगे ध्यान का और 5-5 घंटे ध्यान करने लगे, फिर वो 5 घंटे आपके कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो स्टार्ट कीजिए 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, ध्यान का अभ्यास धीरे 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 बढ़ाना है। कहीं पहुंचने का नहीं है कि ऐसा हम एक तो क्या करते हैं, गोल निर्धारित कर लेते हैं कि हमको इतने दिन में ध्यान करना है या मुझको ये अचीव करना है ध्यान के माध्यम से, तो ये गलत चीज़ है। ध्यान ऐसा नहीं है कि आपको कोई गोल दिला देगा, ध्यान आपको एक अवेयरनेस दिलाएगा, एक एक जागरूकता होती है वो दिलाएगा। तो थोड़ा सा इन बातों को समझने का प्रयास करें कि जब आप ध्यान करें तो उसका मकसद क्या है करने का, और आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, आप जब आनापान करते हैं तो उससे क्या हो रहा है आपके भीतर, और उस शक्ति को उसको चैनलाइज करने के लिए माध्यम ढूंढें, कुछ ऐसा करें, क्रिएटिव कुछ ऐसा करें ताकि आप जो एनर्जी आपके भीतर उत्पन्न हो रही है उस एनर्जी को आप दूसरी तरीके से, दूसरी चीज़ों में लगाएं, कोई निगेटिव चीज़ों में नहीं, नकारात्मक चीज़ों में नहीं, पर एक सकारात्मक चीज़ों में उस एनर्जी को लगाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत लोग पागल हो जाते हैं ध्यान करने के बाद, बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई कई साल लग जाते हैं उनको रिकवर होने में। तो थोड़ा सा जब आप आनापान ध्यान करें तो इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखें, खाने पर अपना संयम करें, आपका जो जॉब है थोड़ा सा उसको व्यवस्थित कीजिए। तो अपनी सारी जिंदगी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, ऐसा नहीं कि ध्यान कर लिया और सब कुछ हो गया। तो ध्यान से जो हमको मिला है उसको हमको दूसरी चीज़ों में लगाना है, यही मकसद है ध्यान का। ध्यान ऐसा नहीं है आपको कुछ और बना देगा, आप जो हैं वही आपको मिलेगा, वही ध्यान का मकसद है, जो आप हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इन बातों को ध्यान से समझिए, और अपने जीवन में जब आप ध्यान का प्रयोग करें, आनापान का प्रयोग करें, तो इन बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कुछ भी आपको प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ध्यान के विषय में, योग के विषय में। तो आपका स्वागत है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, नमस्ते।